अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो दोस्तों? पहली बार फैमिली के साथ पिकनिक पे जा रहा हूँ। शादी के जब से आज तक नहीं गया, तो आज जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहीं करीब में ही है, हमारे विलेज से करीब में ही है। कहाँ है, क्या लोकेशन है, वो आपको जाके बताएंगे। तो मेरे साथ फैमिली है, चलते हैं लोकेशन पे, इंजॉय करते हैं पिकनिक हमारा आज का। उतना कुछ खास तो नहीं रहेगा, सिंपल रहेगा, लेकिन मज़ा आएगा बहुत। मेरे साथ में है इब्रा फिरदोस। कहाँ जा रहे अपन, कहाँ जा रहे पिकनिक? अंदर बंदर बंदर देखने जा रहे? नहीं, चलो जाएंगे। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह चलेंगे। ले लिए टिकट 20 रुपीज। पैसों की हालत अंदर जाने से बाबा ले दो क्या? जाना रे भाई जाना, कहीं को रास्ते में बैठे हुआ है तू। तो भैया हमारा पिकनिक स्पॉट है अली सागर गार्डन, दिस इज अली सागर जानगाम पेट के खरीद में। चलो 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 तुम चलो इधर चलो 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 यहाँ पर बोर्डिंग सिस्टम था, लेकिन फिलहाल कोई बोर्ड नज़र नहीं आ रही है। वैसे पब्लिक भी नहीं है, संडे को पब्लिक रहती है यहाँ पे ज़्यादा। यहाँ पर मॉन्कीज बहुत है भैया। ये तो भाई पहले तो यहाँ पर हम अली सागर में कोरोनापल्ली में फास्ट फूड के लिए देखे, वो तो मिला नहीं। अगर जानगाम पेट वाली रोड से आते तो वो मुमकिन मिल जाता था। यहाँ कुछ खाने का कोई 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 ये नहीं है समझो, खाने के लिए जो भी लाएंगे साथ में घर से बना के ला लेना अच्छा है। आ जाओ बेटा तो नहीं। चलो मैं झूला तू। हाँ बाबू झूला एक बार। ये माशाल्लाह अभी इस टाइम पे आना यहाँ पर बेकार है, क्योंकि पब्लिक भी नहीं है और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना,
बोलो मत, यहाँ सिर्फ मज़ा ले सकते हैं बोर्डिंग का। अभी आगे जाएंगे तो बोर्डिंग कर सकते हैं वहाँ पे। यहाँ गर्मी भी बहुत हो रही है और बंदर बहुत सता रहे हैं यहाँ पर। देखो यहाँ सब पीछे बैठे हुए बंदर, सेब काट रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। हेलो, ये लो यार, छोटा वाला इसको ले ले। हेलो, ये खाओ तुम पहले। खाते जी। नहीं खाते, नहीं खाते। क्यों? ये पहले खाओ इसका दो। वो नहीं देखना जी, तुम ये खाओ जी। नहीं खाते, पेट ही देखती। खाओ ना जी, पेट ही देखती। प्लीज, अरे प्लीज, अरे खाओ 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 खाओ। नहीं खाते जा। अजी भी इसको पेल ले ले। ए फरहान अरमदीन, दोनों मिलकर जाकर निहाल भैया को भाभी को इधर। चलो 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 लल्लू, चलो इधर से चलो। ये हल्लो 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 बाबा, चलो 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 चलो, मैं आ रहा हूँ। चलो चलो चलो, अभी इधर ऊपर जाएंगे तो बोटिंग पॉइंट है, यहाँ पे बोटिंग होता है। यहाँ ऊपर जो है ना, स्कूल के स्टूडेंट्स को ला करके लंच कराया जा रहा है। है चलो 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 चलो। ये स्कूल के बच्चे, बोटिंग पॉइंट। टेंट भी साथ में लेके आया था, पिच करेंगे बोल के, लेकिन यहाँ टेंट पिच करने का कोई शॉट नहीं है। चलो जी, हम आओ। ₹50 two bottle. Let's go. Jump, jump, jump. Come on, again. Aur ek jump. Aur ek jump. Jump. बंदर है सामने, बंदर है। चलो अभी हम करेंगे बोटिंग। ये एक पर्सन का ₹40 किड्स का। रे सामने मत जा, किड्स का जो है ₹30 कहते पर हेड, और बड़े आदमी का ₹40। 20 मिनट मुमकिन टाइम देते। चलो बैठेंगे इसमें। अमू बैठे, इधर देखो। ये ये बंदर। हाँ गर्मी तो भैया बहुत खतरनाक गर्मी हो रही है, लेकिन जब भी ऐसा बोर्डिंग करते ना, बोर्डिंग के टाइम पे ऐसे बच्चों का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि ये हमारा जो बच्चा है ना, ये बच्चा भी जंप करने वाला था पानी में, इसकी दुम पकड़ने की चक्कर में जो है ना, ये नीचे जा रहा था। अभी पकड़ लिया मैं इसको। अजी निकालो निकालो। ये लगाओ। अरे पिकनिक बोल के तो आए यहाँ पिकनिक। गर्मी से पिकनिक बहुत ज़्यादा पिकनिक हो रहा है, और ज़्यादा कुछ पब्लिक भी नहीं आज। पब्लिक यहाँ पर संडे कुछ रहती खाली, ओनली संडे। देखो पूरा एकदम खाली 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 है। नहीं मुझे खाली खाली इसमें पूरा खाली। मैं गार्डन खाली खाली है बोलते, ये बोल रहा है इसमें खाली खाली है। ऐसे लुढ़का दिया तो कहाँ से रहेगा, नीचे फेंक दिया ना पानी पूरा।
गर्मी से हाल बुरा है भाई। भैया हमारा पिकनिक हो गया है एंड, क्योंकि हम साथ में कुछ लंच के लिए लाए नहीं थे, बस इब्रा फिरदौस की तबीयत थोड़ा ख़राब थी तो उसको बस थोड़ा सा घुमाना था, इसीलिए जो है मैं लेकर के आया था उनको यहाँ पर, ताकि थोड़ा सुकून फील करे। अभी चलते हैं यहाँ से, घर को चलेंगे सीधा, अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है और भूख भी लग रही है दबा के। उतना कुछ ख़ास तो वीडियो नहीं था, लेकिन यहाँ पर अगर दो तीन फैमिली मिलकर आएंगे ना बहुत मज़ा होता है। और यहाँ पर छोटा सा स्टॉल आके पका के खाने का तो पता नहीं, लेकिन खाना बिना ला करके आराम से खा सकते हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा है। चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। ख्याल रखिएगा अपना। मा सलामा, अल्लाह हाफिज़।